हेलो, यू आर वेलकम टू एमबीबीएस डायरीज। आज हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेंगे कि हेड नेक में आपको बेसिकली क्या क्या पढ़ना है। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, यूनिवर्सिटी जो प्रॉफ होता है उसके हिसाब से हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसमें स्कैल्प सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट आता है, फेस पे शॉर्ट नोट आता है। इसके बाद लैक्रिमल एपरेटस पूछा जाता है, फिर इसके बाद एनुमरेट में इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ बी सर्वाइकल फेशिया या तो शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। इसमें डिफाइन बाउंड्रीज एंड कंटेंट ऑफ ऑर्बिट पूछा जाता है, इसी के साथ डिटेल में पूछा जाता है एक्स्ट्राकुलर मसल, लॉन्ग नाक 15 नंबर। इसके बाद आपको पोस्टर ट्रायंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटर ट्रायंगल से भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसके बाद पैरोटिड ग्लैंड है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लैंड हमेशा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इससे लॉन्ग आता है। बाकी सब मैंडिबुलर ग्लैंड कभी कभी पूछा गया है, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। इसके बाद मैंडुलर नर्व पूछी जाती है। इसके बाद मैक्सिलरी आर्टरी, इसका मैक्सिलरी आर्टरी में आपको एनुमरेट ज़्यादा फोकस करना है, जो इसके ब्रांचेस होते हैं तीनों पार्ट, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट ज़्यादा पूछा जाता है। टीएमजे लॉन्ग आता है, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू में भी टीएमजे लॉन्ग ज़्यादा करके आता है और यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है। स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट पे शॉर्ट नोट आया हुआ है। मसल ऑफ मैस्टिकेशन, इस समय थोड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है, इस पर क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, शॉर्ट नोट लॉन्ग दोनों पूछा जाता है। इसके बाद थायरॉयड सबसे ज़्यादा, अगर इस पूरे इसमें पूछा जाए तो बात करेंगे तो हम लोग थायरॉयड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार लॉन्ग आता है, केस सिनारियो आता है। अभी अब हम लोग एक पेपर, रैंडम पेपर देखेंगे, उसमें भी देख लेंगे थायरॉयड आया हुआ है। सर्वाइकल प्लेक्सिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर टंग लॉन्ग आता है, टंग आप लोग लॉन्ग के लिए तैयार करेंगे। टंग में इसमें इसकी जो नर्व सप्लाई है और इसकी जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है उसको और फोकस करके पढ़ेंगे। और अप्लाइड तो सब चीज़ का पढ़ना है, अप्लाइड तो कुछ भी आए तो आपको अप्लाइड लिखना ही है। फिर फेरिक्स पर शॉर्ट नोट आता है, एडेनॉइड्स पर आया हुआ है, वेल्डियर रिंग पे लगातार क्वेश्चन आता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जिंकस डायबिटिकुलम, जिसे हम लोग क्लियंस डी एसेंस भी कहेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर लैरिंग्स पे लॉन्ग आता है, लैरिंग्स में आप लोग कार्टिलेज वगैरह भी इसके पढ़ेंगे। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी हमेशा पूछा जाता है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आप लोग पढ़ेंगे। इसके ब्रांचेस जो है हमेशा एनुमरेट में पूछे जाते हैं, शॉर्टकट में अलग से आता है। सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम भी पूछा गया है, फेशियल आर्टरी थोड़ा सा देख लेंगे, इंटरनल जुगलर वेन आपकी इंपॉर्टेंट है। लेटर वॉल ऑफ नोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें इसका डायग्राम पूछा जाता है, नेजल सेप्टम, डिटेल्स एरिया, किजल बैक प्लेक्सिस, इसी में इसके साथ पढ़ेंगे। लेटर वॉल ऑफ नोज और नेजल सेप्टम का पूरा ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से फोकस करके पढ़ेंगे। पैरानेजल साइनस मिडल ईयर इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग फिजियोलॉजी भी पूछा जाता है, उसको आपको मिडल ईयर अच्छे से फोकस करना है। फिर फेरेंजियल आर्चेस आपके इंपॉर्टेंट है। फेरेंजियल आर्चेस में भी आप सेकंड फेरेंजियल आर्च अच्छे से और फोकस करेंगे। ऑर्बिट एक्स्ट्राकुलर पिछले साल लॉन्ग आए हुए हैं, अटल बिहारी की बात करेंगे हम लोग, अटल बिहारी जैसे यूपी के सारे कॉलेज अटल बिहारी पे एफिलिएट हो चुके हैं, तो उसमें एक्स्ट्राकुलर जो सप्ली का पेपर था उसमें लॉन्ग आया है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देखेंगे। ऑर्टिक ग्रैंगुलियन लगातार पूछा जाता है, इसका ऑलरेडी सब छोटे छोटे वीडियोस काफ़ी डाले हुए हमने ऑलरेडी, हेड नेक के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। सेलरी गैंगलियन पूछ सकते हैं, कुछ चेंज करना होगा गैंगलियन में तो। कुछ शॉर्ट नोट जैसे स्टैंडर्ड एपरेटस 2021 से न्यू ईयर गैट्स के प्रॉफ आया हुआ है, सर्वाइकल साइनस, क्लिनिकल सिनेरियो वाले पूछते हैं, जैसे स्कैल्प में ब्लैक आई पूछा जाता है। लेयर ऑफ रेटिना, केवर्नस साइनस में क्वेश्चन आता है, एनुमरेट ड्यूरावेनस साइनस एंड केवर्नस साइनस इन डिटेल। अब इसमें भी सुपर इंपॉर्टेंट की बात करें तो मेजर जो है हमारा नस साइनस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑटिक गैंग्लियन वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल, उसके बाद सेकेंड फेरेंजियल आर्च, लेटर वॉल ऑफ नोज और नेजल सेप्टम। इसके बाद आप लोग इसमें एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, वेल्डियर रिंग, टंग लॉन्ग के लिए पढ़ेंगे। थायरॉयड सबसे ज़्यादा, अगर एक क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो वो है हमारा थायरॉयड। इसके बाद मसल ऑफ मैस्टिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, और फिर इसमें हम लोग पैरोटिड ग्लैंड, पोस्टीरियर ट्रायंगल और स्कैल्प, इतनी चीज़ें तो आपको हेड नेक में देखना है। न्यूरो एनाटॉमी का वीडियो हम लोग जल्द डाल देंगे। रैंडम पेपर हम लोग देख लेते हैं, ये अटल बिहारी का रिसेंट पेपर है नवंबर 2023 का, इसमें आप देख सकते हैं जब हमने इंपॉर्टेंट बताया उससे कुछ आता है कि नहीं ये देख सकते हैं। रैंडम चेक करेंगे, देखिए सबसे पहले लॉन्ग आया इसमें थायरॉयड ग्लैंड अंडर द हेडिंग ऑफ वही हमारा रिलेशन ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई क्लिनिकल में, सीधे 15 नंबर में आया। उसके बाद इसमें ये आपका केवर्नस साइनस आ गया है, इसके बाद इसमें मसल मैस्टिकेशन है, तो देखिए तीन क्वेश्चन है, तीनों इससे फंस चुके हैं हमारे। और बाकी न्यूरो एनाटॉमी में जब भी हम लोग फोकस करेंगे तो देख सकते हैं, न्यूरो एनाटॉमी का भी प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें हमने ऑलरेडी मेंशन किया न्यूरो एनाटॉमी वाले प्लेलिस्ट में हमारा CSF, इंटरनल कैप्सूल और इससे जो भी चीज़ें आई हैं सारी लगभग हमारी इंपॉर्टेंट से आ चुकी हैं। इसमें एक और पेपर हम लोग देख लेते हैं, ये मार्च 2024 का पेपर है, इसमें सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए जो मैंने बताया था कि कंटेंट और बाउंड्रीज ऑर्बिट और एक्स्ट्राकुलर मसल जो होती है हमारी लॉन्ग आई हुई है, और इसके बाद इसमें हेड नेक से और क्या आया हुआ है,
देखिए ये न्यूरोनॉटमी का है, हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मेंशन ने इंटरनल कैप्सूल किया है, रिपीट हो चुका है। और ट्रायंगल से देखिए क्वेश्चन आ गया, इसमें कैरोटिड ट्रायंगल और पोस्टर ट्रायंगल ऑफ नेक पूछा गया है, तो ये दोनों आ गए। और न्यूरो से और क्या है इसमें, सेंसरी स्पीच एरिया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे इंपॉर्टेंट आप देखेंगे तो आराम से चीज़ें रिपीट हो रही है। इसको एक साथ आप ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस हिसाब से आप लोग अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।